बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत ने जाते जाते एक काम डाला था और वो काम ये डाला गया था कि नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करने के लिए, नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म करने के लिए इन्होंने एक वारदात डाली थी और कवानीन के अंदर ना सिर्फ कवानीन के अंदर तब्दीली की थी बल्कि तरमीम करने की कोशिश की और इस तरह के कवानीन पास किए, इस तरह के बिल पास किए ताकि नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुंच सके। उसमें से एक अहम तरीन जो बिल पास किया गया था वो था रिव्यू जजमेंट का, जजमेंट रिव्यू जो इस हवाले से पास किया गया था, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस हवाले से पटिशन दायर कर दी गई और इसमें एक पटिशन इमरान खान की जानिब से भी दायर की गई थी और इमरान खान ने इस बिल को चैलेंज कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिस वक्त कौमी असम्बली ख़त्म हुई है, कौमी असम्बली ख़त्म होने के बाद ठीक दो दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला सुनाते हुए उस बिल को कलदम करार दे दिया गया है, उस बिल को नल एंड वॉइड कर दिया गया है, उस बिल को ख़त्म कर दिया गया, फड़का दिया, उड़ा दिया और उस बिल का ख़ात्मा कर दिया है, जिसकी वजह से इनकी ये कोशिश थी कि हमने नवाज शरीफ का रास्ता खोलना है, नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता खोलना है और नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करने का रास्ता खोलना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उस बिल को उड़ा दिया गया और इसका सारा क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को जाता है, क्योंकि इमरान खान ने जिस तरीके से इनके कवानीन को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आज उसका ये नतीजा निकल रहा है कि इमरान खान के हक़ में फ़ैसले आना शुरू हो गए हैं और ये पहला फ़ैसला है जो कि इमरान खान के हक़ में आया है। और अब नवाज शरीफ की एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट पर जैसी लैंडिंग होनी है तो ये जो नवाज शरीफ है इसको फौरन गिरफ़्तार कर लिया जाना है। अब आपने इस मामले को समझना है, शहबाज शरीफ की जानिब से इस बात का ऐलान कर दिया गया है। हामिद मीर को इंटरव्यू देते हुए शहबाज शरीफ ने इस बात का ऐलान किया कि अगले महीने यानी कि सितंबर में, अब इसमें दो पॉइंट्स हैं आपने वो समझने हैं, अगले महीने शहबाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान में आके वो मुकदमात का, अदालतों का, अपने तमाम के तमाम केसेस का सामना करेंगे और अगले महीने तक वैसे ही पूरे पाकिस्तान में निगरान हुकूमत होनी है, वफाक के अंदर भी निगरान हुकूमत होनी है, पंजाब के अंदर भी निगरान हुकूमत होनी है। अब ये मुकदमात सामना करने का मतलब क्या है, देखें इसमें दो तीन पॉइंट्स वो आपने समझने हैं। एक तो ये कि अब जो रिव्यू जजमेंट ऑर्डर है वो उड़ गया, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उड़ा दिया है, उसको फारग कर दिया है, उसको कलदम कर दिया है। अब इसके बाद जो नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करने के हवाले से जो पूरा एक प्लान तैयार किया गया था कि इस तरीके से हम तरमीम कर देंगे, एक बिल पास कर देंगे और आगे रास्ता निकालेंगे नवाज शरीफ की नाअहली को ख़त्म करने के हवाले से, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया। इसका मतलब है कि जो नवाज शरीफ की नाअहली अभी तक कायम दायम है और आगे ख़त्म करने के चांसेस भी बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल ही उड़ा दिया, इस वजह से अब नाअहली ताहयात रहनी है और ख़त्म करने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। अब नाअहली ख़त्म नहीं होनी नवाज शरीफ की और उसने ताहयात नाअहल रहना है। और ये जो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, या उसने नवाज शरीफ ने ख़ुद से ये ख्वाब देखा है, ख़ुद से ख्वाहिश और फरमाइश की थी कि मुझे चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, मैं चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता हूँ, मैं चाहे घंटे के लिए बन जाऊँ, एक दिन के लिए बन जाऊँ, एक मिनट के लिए बन जाऊँ, वज़ीर-ए-आज़म बनने के अलावा तो शायद दुनिया के अंदर वो आया ही नहीं, एक मिनट के लिए चाहे बन जाऊँ, ये मुल्क है, ये कोई यहाँ पर कोई खोखा नहीं खोला हुआ, कोई पान की दुकान नहीं खुली हुई, कोई यहाँ पर पकौड़े की दुकान नहीं खुली हुई कि आपने एक मिनट के लिए दुकान खोलनी है, ये मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म का मसला है, तो आपने ये मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म एक मिनट के लिए मुझे एक दिन के लिए बना दें, इस तरह से काम नहीं होगा। अब आपकी ये जो नाअहली है ये तो ताहयात है, ये अब नहीं ख़त्म होने वाली, जब इस कानून को बिल को ख़त्म कर दिया गया है तो आपके चांसेस ख़त्म हो गए। दूसरी बात ये कि इससे ये लोग बात कर रहे हैं कि इमरान खान की नाअहली का जो एक मामला खुला है, इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई किया गया है, उससे भी रास्ता बंद हो गया। अब इसमें नवाज शरीफ और इमरान खान का केस बिल्कुल मुख्तलफ है, क्योंकि जो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया गया है वो इलेक्शन एक्ट के तहत किया गया है, जबकि जो नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए ये इस कानून की वजह से इमरान खान को ना तो कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान होना था, ये तो बिल्कुल एक केस डिफरेंट है। और ये जो केस लेकर आ रहे थे इसका
सरासर फ़ायदा, इसका बराह रास्त फ़ायदा नवाज शरीफ को होना था। और जो ये लोग बातें करते फिर रहे हैं, जो ये बातें कर रहे हैं कि इसका फ़ायदा तो इमरान खान को होना था, वो बेवकूफ़ों को ये बात समझ नहीं आ रही कि शहबाज शरीफ, पीडीएम हुकूमत, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, ये सारे एक बिल इसलिए पास करेंगे, इतने जतन इसलिए करेंगे कि उसका फ़ायदा हफ्ते, दस दिन बाद या महीने बाद इमरान खान को होगा। इनकी अकल मारी गई, इनकी बेवकूफ़ों की अकल मारी गई कि ये इस तरह की बातें करते फिर रहे हैं। वो कानून सिर्फ इसलिए पास किया गया था कि जो नवाज शरीफ की नाअहली है उसको ख़त्म करना है, लेकिन वो कानून ही उड़ा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब एक और अहम तरीन मामला वो आपने समझना है कि शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि अगले महीने नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आना है, और हामिद मीर ने पूछा तो फिर इसका मतलब है कि निगरान हुकूमतें उनको गिरफ़्तार कर लेंगी जैसे वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि बिल्कुल मुकदमात का सामना करेंगे, मुकदमात को फेस करेंगे, केसेस को चैलेंज करेंगे और अदालतों में जाएंगे और अपने केसेस भुगतेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसको आपने समझना है। इसका मतलब साफ तौर पर ये जो डबल गेम की शहबाज शरीफ ने अपने भाई के साथ, नवाज शरीफ के साथ, इसका मतलब ये है कि एक तो नवाज शरीफ कन्विक्टेड आदमी है, उसने जैसे पाकिस्तान में लैंड करना है तो वो जो कन्विक्शन है वो एक्टिव हो जानी है, फौरन पकड़ के इंतज़ामिया ने, निगरान हुकूमत ने इसको जेल में डाल देना, जेल से फिर उसके बाद आगे प्रोसेस शुरू होना है, आगे केसेस लगने हैं, चैलेंज होने हैं। इनका ख्याल ये है कि उस वक्त जस्टिस काजी फ़ायज ईसा होगा, इनका ख्याल ये है कि 16 सितंबर को उमर अता बंदियाल ने रिटायर हो जाना है और 17 को आ जाना है जस्टिस काजी फ़ायज ईसा ने। जैसे ही वो आएगा तो पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ की लैंडिंग होनी है और उसके बाद छत्ते ही खैराम, उसके बाद हमने आके काजी फ़ायज ईसा के सामने पिटिशन डालनी है और उसने हमारी तमाम के तमाम ये जो केसेस हैं, तमाम के तमाम सज़ाएँ हैं नवाज शरीफ की, वो ख़त्म कर देनी है। और फिर उसके बाद नवाज शरीफ ने सुनिया हो जन गलियाँ तो बेचम मिर्जा यार फिर ये कहते हुए सीधा वज़ीर-ए-आज़म हाउस में घुस जाना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तमाम के तमाम जो केसेस हैं वो बड़े लंबे चलने वाले हैं, उनके अंदर सज़ाएँ 10-10, 12-12 साल के लिए, 15-15 साल के लिए हैं। और जो नवाज शरीफ की डिसक्वालिफिकेशन है, नाअहली है, वो ताहयात है। इस वजह से नवाज शरीफ की नाअहली, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाने के ख्वाब, वो ख्वाब ही रहने हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानिब से दिया गया, असेंबली ख़त्म होने के 2-3 दिन बाद ये फ़ैसला सुनाया जाना जस्टिस उमर अता बंदियाल ने। अब बहुत सारे और भी इनके जो कानून पास किए गए, बिल पास किए गए इस हुकूमत की जानिब से, वो भी उड़ाने हैं, क्योंकि इन्होंने बदनीति के ऊपर ये तमाम के तमाम केसेस, ये तमाम के तमाम कानून पास किए थे। इस वजह से ये तमाम के तमाम कानून और बिल सारे उड़ा देने हैं और इसकी किसी सूरत भी कोई ग्राउंड, कोई बुनियाद नहीं बनती जो इनकी जानिब से कानून पास किए गए थे। पहला फ़ैसला तो उड़ा दिया, पहला फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। अब आगे जो मामला होने हैं उसमें एक एक करके सारे के सारे कानून उड़ जाने हैं, और जो इन्होंने साजिश की, हर बड़ी खौफनाक किस्म की साजिश के पूरे मुल्क और कानून के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, वो उड़ गया है।